अध्यक्ष महोदय। अरे वाह क्या बात है, क्या नाम इनका? सरवण जी। सरवण जी वाह, बनवारी ना पान ले रहे हैं पनवाड़ी। बस अब हो गया, बहुत शानदार कवि सम्मेलन हो गया। हरीश भैया काफी लाजवाब संचालन आपका, और पारिक जी आपका संयोजन का जवाब नहीं। योगेंद्र जी भाई साहब आपको तो प्रणाम करता हूँ, दादा ने गीत अच्छे गाए, कानों ने शुरुआत अच्छी की, सोनी जी ने लाजवाब वीर रस में कविता पढ़ी, और आपको बस इतना ही कहना चाहूंगा आप तो सरपंच साहब। आप क्या है बुजुर्गों ने, साउंड बढ़िया आपका, इसका इसको खोल दो थोड़ा सा। बुजुर्गों ने है फरमाया कि अपने पैरों पर खड़े होकर घर जाओ। बहुत बढ़िया है। पंडित जी को भी घर जाना है। जिंदगी गुजर गई तब जीने का ढंग आया। पंक्तियां सुन, जिंदगी गुजर गई तब जीने का ढंग आया, और शम्मा बुझ गई तब महफिल में रंग आया। आनंद का कोई केंद्र बिंदु नहीं होता था, इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि दिल दे तो इस मिजाज का वो परवरदिगार दे, दिल दे तो इस मिजाज का वो परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। वरना बहुत सारा के दिल बनाए खुदा ने इस मिजाज के, कि मरते मरते भाव पूछते रहते लसन प्याज के। मैं सही कह रहा हूँ सरपंच साहब? एक महीने पहले हमारे गांव में पटेल साहब, ये क्या है, अब किसको कहूँ मैं, सरपंच साहब को ही कहूँ? सच्ची घटना है, हमारे गांव में एक पटेल साहब बीमार हो गए। पटेल साहब बीमार हो गए तो उनको इलाज कराने के लिए उज्जैन लाए, डॉक्टर ने मना कर दिया, घर ले जाओ, बुजुर्ग आदमी क्या सेवा करो इनकी। अब उनको घर ले गए, एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, चौथे दिन दादाजी ने आंख तानी तो उनके जमीन पे लेटाया, और जैसे जमीन पे लेटाया तब दादाजी की कोना में नजर पड़ी, और दादाजी चिल्लाना गए नाना, बोला है नहीं, आवाज गई। चारी लड़का परेशान, 200 बीघा जमीन, जमींदार आदमी, और दादाजी कोना में कुछ बता रहे हैं, दादाजी कोने में कुछ बता रहे हैं, पिताजी कोने में कुछ बता रहे हैं यार, लेकिन इनसे बोलने के नहीं बने। दौड़ के गए उज्जैन, डॉक्टर को बुला के लाए, बोले डॉक्टर साहब मेरे दादाजी का इलाज कर दो, ये कोने में जाने क्या चीज छुपा के रखी, जाने कुछ चीज बता रहे हैं। डॉक्टर ने कहा क्या इलाज करो, बोले नहीं नहीं इलाज कर दो। डॉक्टर ने कहा 50,000 रुपए लगेंगे। चारों लड़कों ने कहा 50,000 रुपया दे देंगे आप तो, एक बार इनको बोलता कर दो। डॉक्टर ने इलाज किया, 50,000 रुपए लिया, और दादाजी कहने लगे कि नाना, हाँ दादाजी जल्दी बोलो, ए नाना, ए दादाजी जल्दी बोलो, ए नाना वो पहाड़ो पजामो खाए रे। आदमी का आनंद होता है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपकी नजरों ने समझा इस मंच के लायक मुझे, वरना मेरी तो कंडीशन ऐसी है दादा। गांव में महिलाएं गाती रहती ना कि साजन मेरा उस पार है, तो दूसरी बोली कि मेरा आर पार है, स्थितियां होती है। हमारे यहाँ तो मम्मी में गाने पहले बनती, लेकिन गांव की महिलाएं पहले गाना चालू कर देती उन गीतों को। एक बार जबरदस्ती गब्बर सिंह के आदमी किशोर कुमार साहब, मोहम्मद रफी साहब और मुकेश कुमार साहब को पकड़ के ले गए अपने अड्डे पे। कुछ नहीं मिला तो तीनों कलाकार को पकड़ के ले गए। अब गब्बर सिंह ने वहां कहा, अरे वो सर ये कौन पकड़ के लिया है? बोले साहब तीन कलाकार है, ये गाते अच्छा है। अच्छा फिर लगाओ माइक। उनको गाना सुनने के लिए मंच पे लिया है। दादा एक नया प्रयोग लाया। अब सबसे पहले आ गए वो मुकेश कुमार साहब, उनसे कहा गाना गाओ, आज का गाना गाओ। बोले साहब हम तो पुराने गायक है, पुराने गाने गा देंगे। बोले नहीं आज का गाओ, आज का गाना पड़ेगा। बोले गाना कौन सा? बोले वही कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे लेना। सुना मैंने आपने, मेरा चैन रैन सब उजड़ा,
ये जरूरी ये गाना तो ये गाना की वो डिमांड करी गब्बर सिंह ने मुकेश कुमार साहब से। अब मुकेश कुमार साहब के कनपट्टी पे बंदूक लगा दी, अब गाना नहीं गाए तो गोली मार दे। वो कहता नहीं कितने इनाम रखे सरकार हम पर, बोले सरदार पूरे 50,000 रुपए। सुना पूरे 50,000 रुपए और ये इनाम इसलिए रखा है कि अगर आप गाना नहीं गाओगे मैं गोली मार दूंगा। तो वो जबरदस्ती गाना गाने लगे। मुकेश कुमार साहब आज का गीत कैसे गाते, अगर मुकेश कुमार साहब आज होते तो आजकल के गाने कैसे गाते? कजरारे कजरारे तेरे कारे कारे नैना। मुकेश कुमार साहब कजरारे 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 तेरे कारे कारे नैना, कजरारे 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 आरे कारे नैना। कमाल। मेरा चैन लूटा मेरा नैना लूटा, जालिम नजर हटा ले, जालिम नजर हटा ले। गब्बर सिंह बोले ऐसे नहीं गाते, हम सुना है गाना ऐसे नहीं गाते। उनको हटाया और वो जैसे आते वो आ गए किशोर कुमार साहब। किशोर कुमार साहब से बोला आप ये गाना गा के बताओ। अब किशोर कुमार टेंशन में बोले गाना कैसे गाएं, कानू पंडित कैसे गाएं? किशोर कुमार साहब टेंशन में, हाँ वो गाने लगे किशोर कुमार साहब। कजरा कजरा रे तोरे कारे कर लेना, कजरा कजरा रे तोरे कारे कमाल। गब्बर सिंह बोला हम सुना है इस गाने को ऐसे नहीं गाते। अब उनको हटाया मोहम्मद रफी साहब आ गए, बोले तुम एक काम करो वो सिंपल सा गाना गाओ। बोले क्या? सरकारी लोग खटिया जा रहा है। अगर मोहम्मद रफी साहब ने इस गीत को ढंग से गाया तो तालियों में कोताही मत बरतना। मोहम्मद रफी साहब आए ये गीत सुना सरकारी लोग खटिया जा रहा है। मोहम्मद रफी साहब सरल सरकाई खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे, सरकाई लो खटिया जाड़ा लगे, गर्मी में माथे से टपके पसीना आए न बारिश कटिप टिप महीना, सुई चुभे कोई सोला सभल के माने न बेरी जिया मोर तरसे, तरसाए बड़ी रतिया जाड़ा लगे। गब्बर सिंह ने मना कर दिया, बोले ऐसे नहीं गाते। इतने में वो सांबा का लिया 3-4 गांव की महिलाओं को पकड़ के लिया। बोले सरदार ये गांव के महिला इनका क्या करूं? बोले लिया मंच पे इनसे भी गाना गावा। वो गांव की महिलाओं को पकड़ लिया, उनसे बोला तुम गाना गा के बताओ। बोले गाना कौन सा? बोले तुम्हारे माजने का, छत पे सोया बहन हुई मैं तने समेत के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना। सुना उन्होंने आपने करण अर्जुन में ऐसे ही गाना, लांबा लांबा घूंघट काहे को डारा। सुना अब इसको गांव की महिलाएं कैसे गाती हैं? छते पे सोया तो बेरोई मस्ती है, आनंद है, मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, क्योंकि हंसने की कला केवल ऊपर वाले ने इंसानों को दी है, केवल इंसानों को दी है। आज तक आपने किसी गधे को हंसते हुए नहीं देखा। और सरपंच साहब
जिस दिन कोई गधा हंसना प्रारंभ कर दे, ओमव्यास जी कहते हैं कि जिस दिन गधा कोई हंसना प्रारंभ कर दे तो समझ लेना कि वो इंसान बनने वाला है। और जिस दिन कोई गधा इंसान हंसना बंद कर दे तो समझ लो कि वो, इसलिए मुस्कुराते रहिए। देखो कार्यक्रम पर से आभार प्रदर्शन हरिओम जी को राखियो, पर अब मेरा मन में है कि सरपंच जी को ही रखूंगा और वे आपने तसल्ली देगा जी, अगली बार भी कवि सम्मेलन एक बार जोरदार तालियां सरपंच जी के लिए। मैं प्रणाम करता हूं सर आपको, विधायक जी बैठे हैं यहां पर, श्याम जी आपको प्रणाम करता हूं, सभी अतिथि यहां पर बैठे हैं सभी को प्रणाम करता हूं। आप लोग इतना समय निकाल के हम लोगों के बीच बैठते हैं, हमारा मन गदगद हो जाता है, वरना नेताओं की स्थिति मालूम कैसी है। हमरे नेता बड़े दगाबाज रे, कल मिले जी हमका भूल गए, दगाबाज रे अपने इधर के अच्छे हैं, वरना नेताओं की स्थिति चुनाव के पहले और चुनाव के बाद कैसी होती है। चुनाव के पहले ऐसी, अरे अरे मेरे देश का नेता चुनाव से पहले कहता, मैं तो रहूंगा तुम्हारे बीच में, रुके हुए सारे काम करूंगा, आपके मोहल्ले का नाम करूंगा, रुके हुए सारे काम करूंगा, आपके मोहल्ले का नाम करूंगा। अरे अरे मेरे देश का नेता चुनाव से पहले कहता, मैं तो रहूंगा तुम्हारे बीच में। वाह भाई वाह। और जैसे चुनाव खत्म हो जाते हैं ये रिकॉर्ड बंद हो जाती है और दूसरी वाली चालू होती है। अगर आपके दिल की बात कहे तो तालियों का महोत्सव खड़ा करना, चुनाव पे लीजिए और चुनाव वादिए। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। साथ मिलने को न आएंगे हम। तेरी गलियों में पब्लिक 5 साल तक चिल्लाती रहती है, 5 साल तक कभी आओगे पूरा पूरा घर के भाई कभी आओगे, वादे किए वो निभाओगे, तुम कब आओगे। देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, होते ही इलेक्शन नेताजी सब वादे, होते ही इलेक्शन नेताजी सब वादे भूल जाते हैं। कमाल कमाल दिनेश भाई, कमाल 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 कमाल। दिनेश भाई आप हमारे मेहमान हैं, मैं आपको बताता हूं कि ये मैं एक बात आप सबसे कहना चाह रहा हूं कि आज दिनेश भाई ने जिन जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया है उनका ब्लड वापस आज उतना ही हो गया है, बल्कि उससे ज्यादा हो गया, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। और इस मुकाम पर सरपंच जी भी 2 शब्द आशीर्वाद के कहेंगे सबको, एक बार जोरदार तालियां आदरणीय हरक चंद जी झाजरी साहब के लिए। अजय सरपंच साहब